आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। चंद्रभानु सिंह विद्यालय के विद्यार्थियों ने मीडिया को अपने सपनों से कराया रूबरू। आजमगढ़ जिला के हरैया ब्लॉक के अंतर्गत स्थित मसूरियापुर में श्री चंद्रभानु सिंह विद्यालय के विद्यार्थियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। मीडिया के सामने अपने सपनों को व्यक्त करते हुए छात्र छात्राओं ने कहा कि जिस मेहनत से हमारे माता पिता हम लोगों को पढ़ा रहे हैं और हमारे गुरुजी शिक्षित कर रहे हैं, उसकी मेहनत और लगन से भविष्य में चलकर किसी ने आईएएस, किसी ने पीसीएस, तो किसी ने खिलाड़ी, किसी ने पायलट और किसी ने इंजीनियर, तो किसी ने पायलट बनने की बात कही। इसी कड़ी में विद्यालय के प्रिंसिपल ने भी अपने विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने की बात करते हुए मीडिया से कहा कि हम लोग भी अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ने में हर संभव प्रयास करेंगे। न्यूज 9 भारत के लिए रोशन लाल के साथ शिखा रावत की खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के रौनापार थाना क्षेत्र के श्री चंद्रभानु सिंह इंटर कॉलेज मसूरियापुर के प्रांगण में, जहां हमारे सामने विद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद है। आइए हम जानना चाहेंगे इनके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल कि आगे चलकर क्या बनना चाहेंगे, किस क्लास में पढ़ रहे हैं, कहां तक पढ़ेंगे। क्या नाम पड़ेगा बेटा आपका? मेरा नाम है पानमतुरी साध। मैं किस क्लास में पढ़ती बेटा? सर, इस बार अभी हम लोग 10th का एग्जाम दिए हैं, अभी 11th में पढ़ने आते हैं। सबसे प्रिय विषय क्या है आपकी? सर, मेरी सबसे प्रिय विषय है हिंदी। भविष्य में क्या बनना चाहेंगे आप? सर, हम इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। इंस्पेक्टर? तो इंस्पेक्टर मतलब जैसे कई तरीके के होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहेंगी? पुलिस इंस्पेक्टर यानी लोगों को मार मार के समझाएंगे। यस सर। आपका नाम? रिया विश्वकर्मा। आप क्या बनना चाहेंगी भविष्य में? यही पुलिस। आप भी पुलिस बनना चाहेंगी? यस सर। इसका मतलब समाज में बुराइयां बढ़ती ही जाएंगी। अपना नाम बताइए। काजल। काजल जी बताइए, आप किस क्लास में पढ़ रही हैं? भविष्य में क्या बनना चाहेंगे? 12th में पढ़ रही हैं। 12 मिस 12 12 मिस 12 हो गया बेटा। हिम्मत से पढ़ना, मेहनत से पढ़ना, किसी की कोई बात पे मत जाना। 12 मिस 12 होगा। इंटर मिस? इंटर मिस भी 12 होगा। पढ़ेगा आपका? अंशिका जी बताइए, किस क्लास में पढ़ रहे बेटा? 8 में। हाँ, सबसे अच्छा विषय क्या है आपका? आगे आप क्या बनना चाहेंगी? गजब, आईएएस बनना चाहेंगे। मैंने सुपर क्या नाम आप? इस सबसे अच्छी विषय क्या है? किस क्लास में पढ़ रही हैं? क्या बनना चाहेंगी आगे चल के? गजब। ये बताइए कि घर कितने घंटे पढ़ती हैं? घर काम करने में अच्छा लगता है या पढ़ाई करने में? पढ़ाई करने में अच्छा लगता है। ऐसा तो नहीं कि काम के डर से पढ़ाई होती हो? नहीं। थैंक्स। क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या बनना चाहेंगे आगे चल के आप भविष्य में? क्या बनना चाहेंगे आगे चल के आप भविष्य में? डॉक्टर। डॉक्टर? और सबसे अच्छी विषय क्या है आपकी? बायोलॉजी। बायोलॉजी है। डॉक्टर बन के क्या करेंगी आप? लोगों को मदद करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? श्रेया शुक्ला। शुक्ला जी बताइए, आप किस क्लास में पढ़ रही हैं? मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूं। कक्षा 12 में पढ़ती बेटा। क्या बनना चाहेंगे आप? मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम देना चाहूंगी और इंडियन एयरफोर्स के लिए काम करना चाहूंगी। तो कितने घंटे पढ़ाई कर लेती हैं आप घर पे? घर पे 2-3 घंटे। 2-3 घंटे। और विद्यालय में? विद्यालय में सारी घंटियाँ चलती हैं। तो क्या नाम पड़ेगा? वैभवी मिश्रा। मिश्रा जी बताइए, आपकी सबसे अच्छी विषय क्या है? मैथ। जॉब कौन सा करना चाहेंगी? इंजीनियर। इंजीनियर। आपका नाम? अंतिमा शाह। क्या बनना चाहेंगी भविष्य में? एसआई। नायब दरोगा? यस सर। क्या नाम आपका? प्रांजलि यादव। बताइए, सबसे अच्छी विषय है? इंग्लिश। किस क्लास में पढ़ रही हैं? इस बार 10th में। 10th में पढ़ रही हैं। क्या बनना चाहेंगी भविष्य में? आईएएस। आईएएस बनना चाहेंगी। घर पे कई घंटे पढ़ाई कर लेती हैं? 3-4। और लड़ाई कई घंटे करती हैं? लड़ाई नहीं करते। क्या नाम पड़ेगा आपका? बताइए, आपकी सबसे अच्छी विषय क्या है? मैथ्स। क्लास कौन सा है आपका? 10th। क्या बनेगी भविष्य में? टीचर। क्या नाम बेटा आपका? थोड़ा तेज से बोलो बेटा, जैसे मम्मी से झगड़ा करते हैं, कुछ नहीं पाती है, तो कस के बोलो। क्या नाम है? एकता गौर। ये बताइए कि आप किस क्लास में पढ़ रही हैं? 10th में। सबसे अच्छी विषय क्या आपकी? बायोलॉजी। बायोलॉजी। क्या बनेगी भविष्य में?
डॉक्टर डॉक्टर बन के क्या करेंगी कि अस्पताल खोल के ज़्यादा पैसा कमाएंगी? क्या नाम आपका? बताइए आप किस विषय में, मतलब कौन से विषय आपकी अच्छी है, किस क्लास में पढ़ रही हैं? साइंस। क्या नाम आपका? आपको क्या बनना चाहेंगी आगे चल के? टीचर बनना चाहेंगी। घर कितने घंटे पढ़ लेती हैं? सबसे अच्छी विषय क्या है? इंग्लिश। क्या नाम पढ़ेंगे बेटा आपका? बताइए लक्ष्मी जी, आपकी सबसे अच्छी विषय? सबसे अच्छे टीचर आपके कौन से हैं? क्या पढ़ाते हैं? चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रह भुजन। क्या नाम आपका? सपना यादव। बताइए आप क्या बनना चाहेंगी भविष्य में? डॉक्टर। कितने घंटे पढ़ लेती हैं घर पे इस समय? 2 से 3 घंटे। तो माता पिता कोई घर में आपको पढ़ाता है या डायरेक्ट मतलब पढ़ाई करते हैं? कोचिंग करते हैं। क्या नाम बेटा? किस क्लास में पढ़ रही बेटा? 9th में। सबसे अच्छी विषय क्या लगती है आपको? मैथ लगती है। तो मैथ में जोड़ घटाना गुणा भाग सब अच्छा लगता है या कुछ पर्सनली अच्छा लगता है? सब अच्छा लगता है। क्या नाम आपका? अनुष्का यादव। आप क्या बनेंगी भविष्य में? इंजीनियर बनेंगी। क्या नाम बेटा? कैसे बोलो बेटा? नंदनी। किस क्लास में पढ़ती बेटा? 4th में पढ़ती हैं। घर खाना नहीं खाती होते बेटा? हाँ तो खाती हो तो इतना तेज आवाज और तेज निकालो। क्या नाम आपका? आशु यादव। सुनता हूँ आप गीत गाती हैं, गाना गाती हैं ना? Yes. एक लाइन बोल दीजिए। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, रब से पहले उठ के मैं तेरा नाम लूं, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। क्या नाम आपका बड़ा? किस क्लास में पढ़ती हैं? 4th में। सबसे अच्छा विषय कौन सा लगता है पढ़ाई में? हिंदी। क्या भविष्य में बनोगी बेटा? क्या बनने की सोची हैं आपने? पुलिस। दौड़ा दौड़ा के मार। क्या नाम आपका? अच्छा यादव। किस क्लास में पढ़ती बेटा? 10th का पेपर दिए हैं। सबसे अच्छी विषय क्या है आपका? हिंदी। भविष्य में क्या बनने के लिए सोचा आपने? पुलिस। क्या नाम आपका? बताइए आपकी सबसे अच्छी विषय किस क्लास में है? मैं अभी 10th की पेपर दी हूँ, अभी 11th। कौन से सर आपको सबसे अच्छी तरह से पढ़ाते हैं? मुझे हर एक टीचर अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। नहीं मारी। क्या बनेगी भविष्य में आप? मैं IPS बनना चाहती हूँ। क्या नाम आपका? क्या बनना चाहेंगी भविष्य में? पुलिस। तो इतना धीमे बोल के थोड़ी पुलिस बन पाएंगे, तेज आवाज में पुलिस बोलते हैं। कस के बोलो बेटा? पुलिस। ठीक। खो गए वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वो थे लाडले अपने माँ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले, हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। किस क्लास में पढ़ रहे हैं आप? इस बार इंटरमीडिएट। हाँ, इसमें जब एडमिशन कराए थे तो किस क्लास में आप पढ़े? सर शुरू से यही। कौन सी विषय अच्छी लगती है आपको? मैथमेटिक्स। भविष्य में क्या हमने सोचा? IIT JEE एडवांस का प्रिपरेशन करना है इस बार। क्या नाम आपका? सर नीरज। कई घंटा पढ़ाई कर लेते हैं आप? सर 2 या 3 घंटे। सबसे अच्छी विषय सर मैथ। तो पढ़ते हैं कुछ इसके तो अपने काम भी करते हैं आप? हाँ सर, घर का जो खेत होता है उसमें जो काम काम होता है। आपका क्या नाम है? रोहित। और बहुत बोलिए बाबू। रोहित। कौन सा विषय अच्छा लगता है आपको पढ़ाने? मैथ और साइंस। क्या बनेंगे भविष्य में? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? क्लास 10th। और इस पढ़ाई का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जा रहे हैं सर को और माता पिता। क्या नाम आपका? आदित्य भारती। आदित्य भारती जी, किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं? 9th में हैं। कौन सी विषय आपको बहुत अच्छी लगती है? इंग्लिश। मैथ। इंग्लिश। इंग्लिश कुछ बोलेंगे इंग्लिश में?
बताइए अपना नाम बताइए इंग्लिश में। माय नेम इज आदित्य भारती। एंड पिताजी का नाम? माय फादर नेम। भविष्य में क्या बनना चाहेंगे बाबूगा? सर इसको पुलिस इंस्पेक्टर। पुलिस इंस्पेक्टर। यस सर। क्या नाम आपका बाबू? रंजीत जी। रंजीत जी आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं? नाइन्थ। कौन सा विषय अच्छा लगता है? मैथ। कौन से सर आपको अच्छी तरह से पढ़ाते हैं? सभी सर। सभी सर पढ़ाते हैं अच्छी तरह से। तो आप क्या बनेंगे? सर इंजीनियर। इंजीनियर बन के क्या करेंगे आप? सबकी सेवा करेंगे। ये थे श्री चंद्रभानु सिंह इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं जो अपने भविष्य के बारे में बता रहे हैं कि क्या बनना चाहेंगे, क्या सपना है इनका, और ये सारा श्रेय दे रहे हैं अपने माता पिता और गुरुओं को न्यूज 9 भारत के लिए अपने सहयोगी शिखा रावत के साथ रोशन लाल। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।